तो महात्मा सांडल्य की जो आप कथा सुन रहे हैं, इन्होंने पांच प्रकार के काल का वर्णन किया है और वो इतना अद्भुत है। सबसे पहले उन्होंने कह दिया अभिगमत काल को ठीक कीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, वो कहते हैं इसको ठीक कीजिए। सांडल्य कहते हैं इसको बहुत बढ़िया कीजिए। आप सूर्य उदय के बाद बिस्तर पर पड़े हैं तो आप बीमारियां बुला रहे हैं, आप अपनी बॉडी से, आप अपने शरीर से, आप अपनी लाइफ से दुश्मनी कर रहे हैं, आपने अपने आप को अपना दुश्मन बना लिया है, वो ऐसा कहते हैं। महात्मा सांडल्य ने ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा का वर्णन किया, वो कहते हैं अमृत की बूंदें बरसती हैं। वो कहते हैं कि स्वयं नारायण तुमसे मिलने को आते हैं तो गेट बंद मत करो, किवाड़ खोल दो भोर में। ये वासुदेव के परम भक्त हैं, इन्होंने भक्ति के ऊपर चर्चा ज्यादा की है। वो कहते हैं दोपहर तक सोने पर भक्ति नहीं होती है, इसके लिए अभिगमत काल में तुम्हें बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, लेट बाथरूम इत्यादि से फ्री होकर, निवृत्त होकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर और अब बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में अब भगवान के पूजा के लिए, जप के लिए, भगवत स्नान के लिए, स्तोत्रों का पाठ करने के लिए, भगवान पर फूल चढ़ाने के लिए, बिलोपत्रियां चढ़ाने के लिए बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर तैयार हो जाएगी। उसको भार मत समझिए, जीवन बदल जाएगा। भगवत पूजा, भगवत आराधना की इतनी बड़ी महिमा है। उन्होंने इसको उपादान काल के नाम से संज्ञा दी, कहा यह उपादान काल है। जिस समय भगवान की पूजा आप करते हैं उपादान काल, उसके बाद वह कहते हैं यजन करो, यज्ञ करो। यज्ञ के ऊपर उन्होंने इतना जोर दिया क्योंकि वो तो बहुत बड़े मंत्र दृष्टा थे। और ये मैंने आज पहली बार सांडल संहिता में पढ़ा है कि महात्मा जिस समय मंत्र बोलता था तो मंत्र मनुष्य रूप धारण करके महात्मा सांडल के सामने आके प्रकट हो जाता। ऐसा किसी साधु के बीच में मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना नहीं। मैंने बहुत महात्माओं को पढ़ा है, वशिष्ठ को मैंने पढ़ा, जमदग्नि को मैंने पढ़ा, भरद्वाज जी को मैंने पढ़ा है, भगवान परशुराम जी को पढ़ा है, गर्गाचार्य जी को पढ़ा है, पूरी गर्ग संहिता की कथा कही है, वामदेव जी को पढ़ा, महर्षि वाल्मीकि जी को पढ़ा है, महात्मा असत को पढ़ा। ये असत के ही खानदान में सांडल्य प्रकट हुए। तो लेकिन ये कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि मंत्र प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य बनकर के इनके सामने खड़े हो जाते थे। मंत्र स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उनके सामने आकर के खड़े हो जाते थे, इसलिए संत को मंत्र दृष्टा बोला गया। बड़ा अद्भुत साधु, बहुत बड़ा महापुरुष, बहुत बड़ा महात्मा, महात्मा सांडल्य। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने कुल गुरु के रूप में स्वीकार किया और द्वापर तक की कथा का तो इनका वर्णन ही किया गया है। अभी मैं इनकी वंश परंपरा आपको बता रहा था। विधाता ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए थे कश्यप, कश्यप के वंश में आगे चल के एक महात्मा हुए थे विभांडक। ऋषि श्रृंगी, जहां महाराज दशरथ ने अपनी एक बेटी को दिया था श्रृंगी ऋषि को, जिसका नाम शांता था, उसी खानदान में आगे चल के एक बेटा हुआ था देवल, असित, असित के खानदान में हुए देवल, और उस वंश परंपरा में ये हुए थे महात्मा सांडल्य। एक बार महात्मा सांडल्य से कोई बहुत बड़ी पूर्व में कोई गलती हो गई थी, उसकी वजह से 100 वर्षों तक, जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, देखो प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, 100 वर्ष तक नरक काट करके आए थे, नरक की यातना 100 साल तक। उन्होंने अपने मन मुताबिक कोई परंपराएं चालू कर दी। ये ग्रंथ कहता है सांडल संहिता में वर्णन है कि अपने मन मुताबिक कोई भी मंत्र मत बनाओ, अपने मन मुताबिक कोई पंथ तैयार मत करो, नहीं तो उसका खमियाजा बड़ा भोगना पड़ेगा। आज मन मुताबिक सब चल रहा है, सब मन मुताबिक तैयार कर देते हैं, अपने द्वारा पंथ तैयार कर दिए अपने द्वारा। आजकल तो लोग अपना नाम जोड़ के मंत्र तैयार कर देते हैं। सांडल्य संहिता में जिसका बहुत बड़ा विरोध किया, ऐसी ही गलती कर बैठे थे पूर्व में, 100 साल तक कष्ट भोगने पड़े।
ईश्वर को दया आई और बताते हैं महात्मा सांडल्य ही धरती पर जम दग्नी बन करके पैदा हुए, जिनका पुत्र भगवान परशुराम धरा पर चल करके आए। स्वयं सांडल्य ही जमदग्नि बन करके आए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया। गलती का एहसास किया था तो अपना मन मुताबिक सब नहीं, ग्रंथ में जो प्रमाण, इसलिए तो मैं ग्रंथ को सामने रखता हूं। अपने मन मुताबिक कोई बात नहीं, अपने मन मुताबिक कोई आचरण नहीं। ग्रंथ ने जो हमें अनुमति दी है, ग्रंथ ने जो कहा है, उसका स्वाध्याय करके ही हम कोई बात लोगों के बीच में रखें तो ही ज्यादा बढ़िया। तो मैं वहीं प्रसंग में लौटाकर आपको ला रहा हूं। महात्मा सांडल्य की अद्भुत चर्चाएं इस ग्रंथ में आप सुनेंगे, जिसमें वर्णन किया गया है। वो कहते हैं इज्जा काल, वो कहते हैं वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो यज्ञ के लिए समय निकालते हैं, यजन के लिए, यज्ञ के लिए, हवन के लिए। मैं तो वैसे भी बड़ा जोर देता हूं इसके ऊपर। महात्मा सांडल्य से सनाड्य गोत्र चला है, बड़े अद्भुत। यहाँ इधर आगरा, मुरैना, धौलपुर, भरतपुर और इधर फिरोजाबाद, हाँ फिरोजाबाद तक समझ लीजिएगा, और यहाँ की पूरी बेल्ट में सनाड्य ब्राह्मणों को बड़ा अच्छा ब्राह्मण मानते हैं, बहुत बढ़िया। इनकी वंश परंपरा से सब आगे चला है, बड़ी उसकी महिमा। तिवारी, मिश्रा, त्रिपाठी, ये तो कई का नाम, मिश्रा तो नहीं है पर मिश्र तो लिखा ही है मैंने पढ़ा, शायद मिश्र ही मिश्रा होते होंगे, ऐसा ही। तो महात्मा सांडल्य बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं और उन्हीं की चर्चा में आगे लेकर के चल के